बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह अक्सर अपने विरोधियों पर हमला बोलते हैं तो पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। अब यही दाव पवन सिंह ने बीजेपी के खिलाफ चल दिया है। आरा सांसद आर के सिंह की कार्रवाई करेंगे वाली बात पर पवन सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान में थोड़े पैदा हुआ हूँ। पहले तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि कार्रवाई, फिर थोड़ी देर के लिए रुक गए और कहा कि पवन सिंह का जन्म पाकिस्तान में नहीं हुआ है। दरअसल रोहतास की काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह के उतरने के बाद से ही सियासी हलचल मच गई है। खासतौर पर एनडीए के नेता पवन सिंह के चुनाव लड़ने से नाराज हैं। आरा सांसद और केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि अगर पवन सिंह काराकाट से बैक नहीं होते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आर के सिंह की कार्रवाई वाली बात पर पावर स्टार के नाम से फेमस पवन सिंह ने कहा है कि काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की मेरी घोषणा पर आरके सिंह के बयान को देखा और सुना है। मैं आरके सिंह का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनके बयान के लहजे से ऐसा लग रहा था कि जैसे पवन पाकिस्तान में पैदा हुआ हो और काराकाट में चुनाव लड़ने आ गया हो। पवन सिंह ने कहा है कि मैं भी बिहार का बेटा हूँ और काराकाट की जनता ने पवन सिंह को अपना बेटा मान लिया है, इसीलिए मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बाकी हमारी जनता समझदार है। पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने के ऐलान पर आर के सिंह ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार हैं और जो भी एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ेगा वो हमारी पार्टी का विरोधी है, नरेंद्र मोदी का विरोधी है। ऐसे में सबकी राय है कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। आरके सिंह के इसी बयान पर पवन सिंह ने पलटवार कर दिया है। बता दें कि पवन सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पावर स्टार के मैदान में उतरने से पहले काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी। एनडीए की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है, जबकि महागठबंधन की तरफ से सीपीआई एमएलए के राजा राम सिंह मैदान में है। ऐसे में पवन सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणिया हो गया है। तो यहाँ पवन सिंह अकेले काराकाट यानी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह चुनाव पवन सिंह के पक्ष में आती है कि नहीं, क्योंकि वहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा और जनता एक तरफ एनडीए को सपोर्ट भी करती है, दूसरी तरफ पावर स्टार पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भी कई ज्यादा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। काराकाट की जनता किसको सपोर्ट करती है, पवन सिंह को या फिर उपेंद्र कुशवाहा को? ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।